नमस्कार दोस्तों, गुरु चकाचक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है अलजेब्रा पार्ट टू इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। पार्ट वन जो है आप लोगों को बता दिया गया है। पार्ट वन देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से पार्ट वन देख सकते हैं। ये जो है पार्ट टू है, इसमें वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पार्ट वन से रिलेटेड है। यानी पार्ट वन में जो भी फॉर्मूला बताया गया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पार्ट टू में आपको बताए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 80, ठीक है। और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है 8, तो कहता है तो एक्स और वाई का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। देखिए क्या कहा, क्वेश्चन कहा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना है 80 है, और एक्स माइनस वाई इजकल टू 8 दे रखा है। तो कहता है एक्स और वाई का क्या है, औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं पहला जो आपको पार्ट वन बताया गया था उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। इसके बराबर कितना दिया है, 80 दिया है, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमको दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना 8 है, इजिकल टू कितना 80। 8 से काट सकते हैं, 8 दही 80, यानी एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा। तो एक्स और वाई का एवरेज पूछा है, तो एवरेज पूछा है तो एक्स और वाई का एवरेज क्या हो जाएगा, बाई टू कर देंगे क्योंकि दो अंक है एक्स और वाई, तो 2 से काट देंगे, 2 5 10, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और वाई का जो एवरेज आएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है बड़ा है बी से, के लिए यदि ए प्लस बी इजकल टू 5 तथा ए बी इजकल टू 6 हो तो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या बोला कि ए इज ग्रेटर देन बी, कहने का मतलब क्या है, ए जो है बड़ा है बी से, के लिए यदि ए प्लस बी क्या है 5 है तथा ए बी क्या है 6 है। तो ये तो माइंड में भी हम इमेजिन कर क्या कर सकते हैं कि यदि ए और बी यदि 5 है, ए प्लस बी का वैल्यू 5 है यानी, और ए जो है बड़ा है बी से, तो यदि इसका वैल्यू ए का वैल्यू 3 ले ले और बी का वैल्यू कितना 2 ले ले, तो दोनों को ऐड करने के बाद 5 आ जा रहा है, और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 6 भी आ जा रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हमको निकालना क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9, और बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9 में से 4 गया कितना 5 आंसर, ठीक है। इसको बाय प्रोसेस भी आप बना सकते हैं, और एग्जाम में समय कम रहने के कारण जो है बाय ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और फिर आगे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। पूछा क्या है कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, इसको हम बाय वैल्यू भी डाल के आंसर निकाल सकते हैं इजी वे में, बट पहले जो है आप लोग मेथड देख लीजिए कि क्या है। यदि हम दोनों साइड यहाँ स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा, और इसका जो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ दे रखा है कितना 20, और माइनस 2xy इजिकल टू 4। यदि इस 4 को इधर ला दे तो कितना आ जाएगा 16, और ये 2xy इधर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, यानी कि xy का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई 8 आ गया यहाँ से, तो हमसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला इसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखा है कितना 20, 20 प्लस टू एक्स वाई, टू इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना आया 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो बाय प्रोसेस बनाइएगा तो ऐसे आप निकालिएगा, बट यदि आप चाहते हैं कि वैल्यू हम इवेल्युएट करके बनाए तो क्या, तो देखें कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया था 2 दिया था, तो यदि हम x का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेते और y का वैल्यू यदि 2 ले लेते तो क्या होता कि 4 में से 2 को घटाते तो यहाँ 2 आ जाता, और यहाँ जब हम 4 का स्क्वायर करते और 2 प्लस 2 का स्क्वायर करते तो 4 चौका 16 अचार 20 आ जाता, यानी इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करते 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देते, यानी कि 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो इस तरीका से भी आप आंसर ला सकते थे, और माई बाई मेथड जो है इस तरीके से आप ला सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और प्लस 8 है एज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसी का सोल्यूशन निकालना पूछा है, क्या क्वेश्चन है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 4x और 8 को प्लस 4 प्लस 4 कर सकते हैं, तो एक इक्वेशन बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ठीक है। और एक इक्वेशन बनेगा आपका वाई स्क्वायर और माइनस 4y और प्लस 4 इजकल टू 0। इतना आप लोग जानते हुए इक्वेशन तोड़ने आप लोगों को आता होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग इक्वेशन नहीं तोड़ना आता होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो आ जाएगा आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल सकता है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, और यहाँ से आपका y इजकल टू भी 2 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है x माइनस वाई पूछा, यानी 2 माइनस 2 इजकल टू 0 डायरेक्ट आंसर। मैंने इक्वेशन को तोड़कर नहीं बताया इसलिए क्योंकि आप लोग जानते होइएगा गुणनखंड है, इजी चीज है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इजकल टू 0, और आपसे पूछा गया है क्या ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस 3 बटे ए इक्वल क्या होगा, इस चीज को आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से कहता है क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इजकल टू 0 है, पूछा क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3a का वैल्यू क्या होगा। तो जब तक इस टर्म में हम ना ला दें इस क्वेश्चन को तब तक इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 4a कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं a माइनस 1 बाई a इक्वल टू 4 कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 1 और a इधर 4a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं आप दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab तो a के जगह 1 है और b के जगह कितना है 1 बाई ए है, तो ए से ए साफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इजकल टू 4 यानी कि 16। अब यहां से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इजकल टू, यहाँ 16 है और ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 में जाएगा, यानी कि यहां से वैल्यू आपका आ गया 18। तो देख क्या रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 18 आ गया, उसके बाद जो यानी कि इतना का वैल्यू हमको पता चल गया। अब निकालना कितना का वैल्यू है, इतना का, तो यहां से क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले ले आपको तो 3 इंटू ए माइनस 1 बाई ए आ जाएगा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और देख रहे हैं कि a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू यहाँ कितना था 4 था, तो यहाँ पे आप 3 इंटू ए माइनस 1 बाई ए का वैल्यू कितना था 4 था, 4 से गुना कर देते 4 के 12, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 12 और इसका वैल्यू कितना है 18, तो इस दोनों वैल्यू को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 18 2 20 और 2 1 3 यानी कि 30 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि 2p बटे पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 4, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है और एक कंडीशन भी है कि p डज नॉट इक्वल 0, तो क्या कहा p प्लस 1 बाई पी का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, तो आप देखिएगा यहाँ पे
जब यहाँ फोर से इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा मेरा, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8p, ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू पी इधर जाएगा तो 10p में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ हमको वैल्यू निकालना है पी प्लस वन बाई पी का, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस वन बाई पी नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, पी इंटू पी पी स्क्वायर प्लस वन और पी इधर चला जाएगा 10। कहने का मतलब क्या कि पी प्लस वन बाई पी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 10 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में बताया जा रहा है आपको, और ये जो क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपको एसएससी में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है आपको, एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दे रखा है 5, और पूछता क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। आपको जो पार्ट वन में जो फॉर्मूला बताया गया जस्ट उसी पे सारा चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहा कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों तरफ इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ से क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई, तो टू एक्स वाई तो एक्स एक्स कट जाएगा, इजकल टू फाइव का स्क्वायर 25 आ जाएगा। आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 इधर है और माइनस टू इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा, यानी कि 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक्स बटे वाई इजकल टू है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, और कहता है 4/5 है, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है आपसे कि देखिएगा 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स बटे 2y प्लस एक्स, यानी कि इतना का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा इसमें, देखिएगा यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना है 4 है, y का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन है तो 4/7, ठीक है, प्लस 2y, y का वैल्यू कितना 5, तो 5 × 10 हो जाएगा, माइनस एक्स यानी कि 4 बटे 2y यानी कि 5 × 10 और प्लस एक्स यानी कि, तो यहाँ जाएगा आपका 4/7 प्लस 6/14, ठीक है। यहाँ एलसीएम लीजिएगा 14 आ जाएगा, 7 × 14 4 × 8 प्लस 14 × 14 यानी कि 6 × 8 = 14/14, ठीक है, यानी 14/14 कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वन वाई एक्स इजकल टू 3, ठीक है, 3 है। और फिर दिया क्या है, पूछा क्या है इसमें आपसे कि 3x² - 4x + 3 बटा x² - x + 1, इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन जो है यही है और सॉल्यूशन निकालना है हमको, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस वन इजकल टू 3x निकाल सकते हैं क्या, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू 3x। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, 3x² और प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, और माइनस 4x और बटे यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर और प्लस वन को यहाँ से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसका वैल्यू 3x है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वन का वैल्यू नीचे 3x और माइनस एक्स यहाँ तो है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है कॉमन आप लीजिएगा तो 3 × x² + 1, क्योंकि 3x² + 3 = 3 और माइनस 4x बटे 3x - x गया तो कितना आ जाएगा 2x, यानी कि यहाँ 3 × x² + 1 का वैल्यू कितना 3x, तो 3 × 3 = 9x हो जाएगा, 9x - 4x बटे 2x, तो यहाँ वैल्यू कितना आ गया, 9x में यानी कि 5x बटे 2x, x x का यानी कि 5/2x का आंसर आ जाएगा, 5/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि x + 2x = 1 है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, x² + x + 2 बटे x² × 1 - x, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि बहुत हार्ड होगा, कैसे निकलेगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है एक्चुअली, इसका देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि x + 2x का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया, ठीक है। पूछा क्या है कि x² + x + 2
अब एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम देखेंगे क्या कि यदि इस टर्म में हमको लाना है तो इधर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स बाई एक्स वन आ जाएगा और यहाँ प्लस टू बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इंटू में है इसलिए एक ही से डिवाइड होगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, वन माइनस एक्स बचेगा। तो अब देखें कि इस टर्म में हम ला दिए, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते थे कि यहाँ से देखिएगा आप कि x माइनस वन, इस वन को इधर लिया ला दिए, ठीक है, और यहाँ से नहीं सॉरी देखिएगा यहाँ टू बटे एक्स इजकल टू हम क्या कर सकते हैं, वन माइनस एक्स कर सकते हैं, वन माइनस एक्स, इस एक्स को हम इस साइड ला दिए, ठीक है, तो माइनस आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से जो मेरा निकला क्या कि x प्लस वन प्लस टू बाई एक्स, अब देख रहे हैं कि x और टू बाई एक्स का वैल्यू कितना है, वन है, तो यहाँ पे वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। और नीचे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या कि x इंटू वन माइनस एक्स, तो x इंटू वन माइनस एक्स, तो देख रहे हैं क्या कि x वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, टू बटे एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू और टू बाई एक्स, तो ई एक्स से एक्स कट जाएगा और ए टू से ए टू कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरा, वन। यानी कि इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, फाइव एक्स बटे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन इजिकल टू वन बटा थ्री है, ठीक है। और आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है क्या कि एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इजिकल टू क्या होगा, ठीक है। इस टर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया है ये दोनों ऊपर नीचे जो है फिर से एक्स से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, फाइव आ जाएगा, क्योंकि फाइव में फाइव एक्स में एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपको टू एक्स, और यहाँ आपका आ जाएगा फाइव और प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। कितना का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, अब देखिएगा। और इसका जो दिया है वैल्यू कितना, वन बाई थर्ड दिया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस फाइव प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, टेन, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं हमको निकालना क्या है, एक्स प्लस वन बाई टू एक्स का वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ पे यह क्या रहा है, टू एक्स प्लस वन बाई एक्स आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड दो से भाग कर देंगे, तो दोनों साइड जब दो से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इजिकल टू दो पंच दस यानी फाइव, यानी कि आपका x प्लस वन बाई टू एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइव आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप क्या, क्वेश्चन है आपका a प्लस वन बाई ए माइनस वन टू इजकल टू फोर, ठीक है। और आपसे पूछा गया है क्या, a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे ए माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा गया, ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिएगा यहाँ पे आप कि a प्लस वन बाई ए माइनस टू इजकल टू फोर है, ठीक है। तो और पूछा क्या है, a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई ए माइनस टू का होल स्क्वायर। जब तक इस टर्म में हम इस क्वेश्चन को ना ला देते हैं तब तक क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको पहले हम इस टर्म में लाएंगे, तो क्या करेंगे, इधर a माइनस टू कर देंगे क्योंकि दोनों साइड दो घटा रहे हैं, ठीक है, प्लस वन बटे ए माइनस टू। तो अब देख रहे हैं कि इस टर्म में आ गया क्वेश्चन, अब ए इजकल टू फोर में से टू गया टू, क्योंकि दोनों साइड माइनस टू किए। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे ए माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए के जगह इतना डालेंगे और बी के जगह तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो सिर्फ टू रह जाएगा इजकल टू फोर, दो का स्क्वायर फोर। तो यहाँ पे देखिएगा तो ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे ए माइनस टू का होल स्क्वायर, और ए जो प्लस फोर है और ये जो प्लस टू है इस साइड जाएगा तो माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना जाएगा, टू। आने का मतलब क्या कि a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे ए माइनस टू का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पार्ट टू वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन बताए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन जितने भी है ये सारे SSC में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है इस वीडियो में, आपको कहीं भी कुछ कुछ समझने में, तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।